गीता विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो जीवन जीना सिखाता है। श्रीमद् भागवत हमें प्रेम सिखाती है और शांति प्रेम में ही निहित होती है। यदि आपके जीवन में प्रेम है तो ही आपके जीवन में शांति है। यदि आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो शांति भी नहीं है। प्रेम चाहे भौतिक जगत का हो या ईश्वरीय प्रेम हो। दुर्योधन के जीवन में सब कुछ था लेकिन प्रेम नहीं था। उसके मन में तो अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष था, जिसके मन में ये घर कर जाते हैं उसका पतन निश्चित रूप से तय है, जो स्वार्थ की मनोदशा से किसी से प्रेम करते हैं। गीता के अनुसार ऐसे प्रेम को सच्चा नहीं माना जा सकता है। भगवान और भक्त के बीच में अंतर भगवान ने तो नहीं बनाया। भक्त और भगवान के बीच के अंतर को खत्म करने के लिए ही गोविंद ने गीता का ज्ञान दिया। कलयुग में मनुष्य ने गीता से दूरी बनाकर अपने आप को गोविंद से दूर कर लिया। भगवान श्री कृष्ण और उनकी राधा के बारे में कौन नहीं जानता। प्यार का नाम लेने पर सबसे पहले राधा कृष्ण की जोड़ी को ही लोग याद करते हैं। हम जब कभी भी नाम लेते हैं तो कहते हैं राधा कृष्ण, कभी भी राधा और श्री कृष्ण नहीं कहा जाता। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि राधा कृष्ण अलग अलग नहीं बल्कि एक माने जाते हैं, क्योंकि इनका प्यार ऐसा था कि दो शरीर होते हुए भी दोनों एक आत्मा थे। श्री कृष्ण ने कई बार इस बात का एहसास कराया है। कभी राधा का मुंह दूध से जल जाता है तो कभी श्री कृष्ण को फफोले आ जाते हैं। ऐसी ही एक घटना है जिसे पढ़ने के बाद आप यह जान जाएंगे कि राधा और कृष्ण के बीच कैसा अद्भुत प्रेम था। इस प्रेम को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इस प्यार के आगे सब झुक सकते हैं। श्री कृष्ण सिरदर्द से कराह रहे थे तीनों लोकों में। राधा नाम की स्तुति सुनकर एक बार देवर्षि नारद चिंतित हो गए। वह स्वयं भी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। अपनी इसी समस्या के समाधान के लिए वह श्री कृष्ण के पास जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण सिरदर्द से कराह रहे थे, उन्हें काफी पीड़ा हो रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर नारद ने पूछा, भगवन क्या इस वेदना का कोई उपचार नहीं है? नारद की बात सुनने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, यदि मेरा कोई भक्त अपना चरणोदक पिला दे तो यह वेदना शांत हो सकती है। यदि रुक्मिणी अपना चरणोदक पिला दे तो शायद लाभ हो सकता है। श्री कृष्ण की बात सुनकर नारद ने सोचा, भक्त का चरणोदक भगवान के श्रीमुख में। फिर रुक्मिणी के पास जाकर नारद ने उन्हें सारा हाल कह सुनाया। रुक्मिणी भी बोली, नहीं नहीं देवर्षि, मैं ये पाप नहीं कर सकती। इसके बाद नारद ने लौटकर रुक्मिणी की असहमति कृष्ण के सामने व्यक्त कर दी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें राधा के पास भेज दिया। राधा ने जैसे ही श्री कृष्ण के दर्द के बारे में सुना तो तुरंत एक पात्र में जल लाकर उसमें अपने पैर डुबो दिए और नारद से बोली, देवर्षि इसे तत्काल कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूं इससे मुझे घोर नर्क मिलेगा, किंतु अपने प्रियतम के सुख के लिए मैं यह यातना भोगने को तैयार हूं। तब देवर्षि नारद समझ गए कि तीनों लोकों में राधा के प्रेम की स्तुति क्यों होती है। प्रस्तुत प्रसंग में राधा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का परिचय दिया। यही है सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा, जो लाभ हानि की गणना नहीं करता। सच्चा प्यार किसी भी हालत में नहीं घबराता। सच्चे प्यार को किसी से डर नहीं लगता, वह बस अपनी राह पर आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। राधे राधे।